हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में लगातार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की ओर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का दौर बदस्तूर जारी है। भ्रष्टाचारियों ने अब सीधी रिश्वत ना लेकर नया तरीका खोज निकाला है, जिसमें दलालों के थ्रू रिश्वत ली जा रही है। लेकिन वो शायद भूल गए कि एसीबी के रडार पर दलाल को साथ ही भ्रष्टाचार निशाने पर है। इसी कड़ी में राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरी मन्ना इलाके में मंगलवार को एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परिवादी की शिकायत पर पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके बाद से ही भ्रष्टाचार कर्मचारियों के बीच जबरदस्त तरीके से हड़कंप मच गया है। इस तरीके की शिकायतें लगातार मिल रही थी कि पटवारी लोगों को परेशान करते रिश्वत मांग रहे हैं। उसके बाद से ही एसीबी की ओर से लगातार पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाड़मेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक घूसखोर पटवारी और उसके दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार परिवादी बालूराम निवासी लुखू ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। लुखू पटवारी रघुनाथ राम म्यूटेशन भरने की अवज में 8,000 की मांग कर रहा है, जिसके बाद एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह भाटी ने शिकायत का गोपनीय रूप से सत्यापन करवाया, जिस पर मंगलवार को पटवारी रघुनाथ राम ने 8,000 गिरीश्वर दलाल ओम प्रकाश को देने की बात कही। इसके बाद परिवादी ने ओम प्रकाश को 8,000 की रिश्वत दी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने दलाल सहित पटवारी को तुरंत ही मौके से गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह भाटी ने बताया कि परिवादी बालूराम निवासी लुखू ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। लुखू पटवारी रघुनाथ राम म्यूटेशन भरने की अवज में 8,000 की मांग कर रहा है, जिसका सत्यापन करवाया गया, जिस पर मंगलवार को पटवारी रघुनाथ राम ने 8,000 गिरीश्वर दलाल ओम प्रकाश को देने की बात कही। इसके बाद परिवादी ने ओम प्रकाश को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।